अपना वजूद दिन पर दिन खोते जा रहे हैं। भाई ने जो बात करी ना इकोनॉमिकल और एजुकेशन, असल तो हथियार हमारा एजुकेशन है। इस इलाके के अंदर 70% ड्रॉप आउट जो एसएससी से नीचे 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास जो पढ़ के छोड़ दिया है, वो 70% यूथ की हमको फिक्र करने की जरूरत है। ये उम्मत का मवाल है। सुबह की अजान के वक्त ये घर जाता है, पूरी रात चौराहों पर और कवों पर फेंका रहता है। इनकी फिक्र करने की जरूरत है। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इतना बड़ा इलाका है पूरा अहमदाबाद में, एक सेंटर, हम 75 साल की बात कर रहे हैं, एक सेंटर हम नहीं खड़ा कर सके जहाँ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और करके 3 महीने हमारे बच्चों का मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एक गाड़ी का बना सके, एसी का मैकेनिक बना सके, कार मैकेनिक बना सके, होटल मैकेनिक बना सके, वजूद खड़ा करो। ये पूछते हुए तुम कहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जात के अंदर देख के सोचूं, मेरी रातों की नींद हराम हो जाए, मेरी करवटें हराम हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उम्मत के लिए। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में आपका स्वागत है। अहमदाबाद गुजरात में जमात इस्लाम हिंद के 75 साल पूर्ण होने पर आज जो है कि आवाम को जोड़ा गया। तो जुहापुरा सरखेज विस्तार में जमात इस्लाम हिंद की एक ऑफिस है, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है आवाम को जोड़ा गया। दिल्ली से हमारे साथ नायब अमीर मौजूद है, सलीम इंजीनियर साहब से हम बात करेंगे कि क्या कुछ इस मौजू पर बात रखी गई, आवाम को जोड़ा गया और क्या कुछ जो है उम्मत को लेकर फिक्र की गई। जमात इस्लामी हिंद आज से 75 साल पहले 16 अप्रैल 1948 में कायम हुई थी, तो उसके 75 साल अप्रैल में पूरे होने जा रहे हैं। तो हमने पूरे मुल्क में, पूरे देश में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि हम अलग अलग लोगों से मुलाकात करें और उनको जमा करें, उनसे बातचीत करें, उनके सामने अपनी बात रखें, उनसे हमारी बात सुनें। तो मुसलमानों में भी जो बहुत अहम सियासी लोग हैं या समाजी लोग हैं, उनसे और ख्वातीन से और दूसरे धर्म के लोगों से भी मिलने का हमारा कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। और अलग अलग जो जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे हम अलग अलग इस तरह के प्रोग्राम्स मिलकर कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी हिंद 75 सालों में जिन जिन मैदानों में काम कर रही है वो लोगों के सामने भी आए, और हम लोगों से भी ये जानना चाहते हैं कि इसमें वो और क्या हम नया कर सकते हैं और क्या अच्छा है, इसको बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में भी मशवरे आए। आज यहाँ अहमदाबाद में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ है और उसमें मुस्लिम पॉलिटिकल और सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और ये महसूस किया गया कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस मुल्क को बेहतर रुख पर ले जाने में अपना रोल अदा करें और इस मुल्क से मायूसी को दूर करें और इस मुल्क में जो नफ़रत और दूरियां जो पैदा करने की कोशिश हो रही है उसको कम करने की कोशिश करें और इस मुल्क की तरक्की में हम अपना भी रोल अदा करें। और दूसरा ये कि मुसलमानों के जो खुद के इश्यूज़ हैं और उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में ख़ुद भी कोशिश करें और इस मुल्क के दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन मसाइल को हम हल करने की कोशिश करें। मुसलमानों की तालीमी बेहतरी हो, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन और उनका प्रतिनिधित्व हर जगह मुनासिब हो, पॉलिटिक्स में भी हो, सर्विसेज में भी हो और जगह हो। और असल बात यह है कि हम इस मुल्क को इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ कराएं, उनको बताएं कि इस्लाम का संदेश जो है वो क्या है और इस्लाम किन चीज़ों का नाम है और इस्लाम कैसा इंसान बनाना चाहता है, इंसान कैसा समाज, इस्लाम कैसा समाज बनाना चाहता है, और उसकी रोशनी में हम इस मुल्क की तरक्की में क्या रोल अदा कर सकते हैं, इस पर आज बातचीत हुई। और हमें खुशी है कि उसमें अच्छी तादाद में सब तरह के लोग, हमारी बहनें भी उसमें काफ़ी तादाद में शरीक हुई, तो मुझे खुशी है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।
जी ये तो हो गई कि मुस्लिमों की इम्प्रूवमेंट की बात हुई और उनको आगे बढ़ाने के लिए बात हुई, लेकिन जहाँ जहाँ पूरे भारत भर में मुसलमान समाज के लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है उसको लेकर जमात इस्लामी हिंद क्या कुछ, जैसे कि पिछले दिनों में ही आप अगर देखा जाए राजस्थान के और हरियाणा की बॉर्डर पर जुनेद और नासिर की जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर क्या कुछ तंजीमें काम कर रही है? देखिए वहाँ तो मैं खुद भी जाकर आया हूँ और 22 फरवरी को मैं उसी गांव में था और जमात इस्लामी हिंद की पूरी टीम वहाँ गई थी और नासिर और जुनेद के परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की, गांव के लोगों से हमने बातचीत की और वहाँ जो उनकी शिकायतें हैं उनको सुना और हम ये महसूस करते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और ख़ास तौर से हरियाणा की जो गवर्नमेंट और हरियाणा की जो पुलिस है वो मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है और राजस्थान गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही है कि उनको पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन जैसी कोशिशें राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए उसमें और ज़्यादा उसको तेज़ी लाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक भी वो मुजरिम जो हैं उनमें से एक मुजरिम पकड़ा गया है, बाकी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं और मुजरिमों को बचाने के लिए बार बार रैलियाँ हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है और जमात इस्लामी हिंद और उसकी लीगल टीम जो है कानूनी कार्रवाई करने वाली जो टीम है वो भी मैदान में मौजूद है और हम हर तरह की मदद उनके लिए करेंगे और गवर्नमेंट से भी और हुकूमत से भी इंसाफ के लिए कोशिश करें। हम सब के दावत पे माशाल्लाह ये हर उठाया गया है और जितने भी फिक्रमंद आए ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं दिल में दर्द रखते हैं, तो तमाम लोग आए तो अल्लाह ताला से सबसे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम को तंदुरुस्ती दे और तमाम को अल्लाह ताला हर जगह पे कामयाबी दे। आज के इस प्रोग्राम के मुबारकी के लायक हमारे जमात इस्लामी हिंद के तमाम आगेवान और तमाम साथी मुबारकबाद चलाएंगे कि हम सबको किसी न किसी भाव में इकट्ठा किया है और आज ये तमाम को अपने दिल की बात करने का मौका दिया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए दो चार मेरे सजेशन है तो बताना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा सजेशन तो आज हमारे नौजवान कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, कहीं मोबाइल में भटके हुए हैं तो किसी और जगह भटके हुए हैं, फेसबुक में भटके हुए हैं, उन लोगों को नौजवान बच्चों को तमाम गुजरात के हिंदुस्तान के तमाम मदारिस से उन मदारिसों में रात को ट्यूशन क्लास शुरू करना चाहिए। वो ट्यूशन क्लास में जो कॉलेज पढ़ता हो बच्चा वो आठवीं नौवीं दसवीं के बच्चों को पढ़ाए तो इससे कॉलेज का बच्चा उसको टीचिंग पावर में भी पावरफुल बने और वो बच्चे अपना समय काट के अपने मदारिसों में आके रात को ट्यूशन ले तो उनको अच्छे में अच्छा एजुकेशन मिले। आज वक्त इतना बड़ा नाजुक है कि 25-50-60-70 नहीं चलेगा, 80-90 के ऊपर जाएंगे तो हमारा वजूद रहेगा और साथ ही साथ सरकार में हमारी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे में सरकार में हमारी भागीदारी नहीं है वहां तक हम यतीम और अनाथ से बराबर हम जी रहे और जीते रहेंगे। साथ ही साथ आज हमारे इलाकों को टारगेट बनाया जाता है, कहीं ना कहीं चाहे डिमोलिशन के ऊपर हो या चाहे किसी भी प्रकार से पीने के पानी के बुनियादी सुविधाओं के बारे में हो, बार बार दो मरतबा मैं खुद हाईकोर्ट गया हूँ और उसके बावजूद भी आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुजरात सरकार को इस इलाके में जो बुनियादी सुविधा देना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट हमारा जो हमको हक मिलना चाहिए वो हक भी हमको नहीं मिलता। तो मेरे साथियों जांच इससे बनता है, अपनी इससे कोशिश करें, कहीं ना कहीं जवान से कोशिश करें, कहीं से कहीं पत्र व्यवहार से कोशिश करें, अरे कोई कुछ कोशिश नहीं करते हो, जो कोशिश करने वाले हो उनको सपोर्ट करें और जो कोशिश करने वाले हो उनका दिल बोले इस ना करें, उनका मगज को उनको डिस्टर्ब ना करें, वो भी बहुत बड़ा काम होगा माशाल्लाह। ज्यादा ना वक्त लेते हुए सिर्फ यही बात है, आने वाले वक्त में हमारे इलाकों में हिंदी माध्यम की स्कूल होना चाहिए, उर्दू माध्यम की स्कूल होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम की स्कूल नहीं है उसकी भी कोशिश होना चाहिए और साथ ही साथ आज उर्दू का गला घोटा जा रहा है इस कॉर्पोरेशन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आठवीं के बाद बच्चा कहाँ पढ़ेगा,
एक वो फिक्र है और उसको पाठ्य पुस्तक की सही तरह से नहीं मिलती स्कूलों में, वो भी हमको हुकूमत के प्रेशर में आके भी हमको करना चाहिए। माशाल्लाह तमाम लोग आए, इसलिए आप लोगों को दोबारा फिर से मुबारक देता हूँ और साथ ही साथ मुझे बोल तो जमात इस्लामी का मैं शुक्र गुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में रखना, बहुत बहुत शुक्रिया। और रह गया कि जब गुप्ता नगर के अंदर जब खुशी जब गंगा हुआ तब मैं मक्कापुर पंचायत की मेंबर थी, तब मुर्जा दिवस को लेकर चली के तब अपने अंदर गुस्से सब जलाया गया था। वो टाइम के अंदर भी इस तरह के रिलीफ कमेटी नहीं आती और दूसरी संस्था नहीं आती तो आज ये गुप्ता नगर नहीं बसता। तो इस्लामी रिलीफ कमेटी को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। अल्लाह जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी को अल्लाह लंबी उम्र दे। पॉलिटिकल
सोशल एम्पावरमेंट की बात है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात है, एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात है, हम उस पर वर्क करें, इंशाल्लाह बहुत हो जाएगा। हम अपना वजूद दिन पे दिन खोते जा रहे हैं। आगे जो बात करी ना इकोनॉमिकल और एजुकेशन, असल तो हथियार हमारा एजुकेशन है। इस इलाके के अंदर 70% लोग जो एस एस सी से नीचे 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास पढ़ के छोड़ दिया है, वो 70% यूथ की हमको फिक्र करने की जरूरत है। ये उम्मत का मवाद है। सुबह की अजान के वक्त ये घर जाता है, पूरी रात चौराहों पर और कवों पर बैठा रहता है। इनकी फिक्र करने की जरूरत है। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इतना बड़ा इलाका है पूरा अहमदाबाद में, एक सेंटर, हम 75 साल की बात कर रहे हैं, एक सेंटर हम नहीं खड़ा कर सके जहाँ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम वर्क करके 3 महीने हमारे बच्चों को मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एक गाड़ी का बना सके, एसी का मैकेनिक बना सके, कार मैकेनिक बना सके, होटल मैकेनिक बना सके, वजूद खड़ा करो। ये पूछते हुए तुम रहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जात के अंदर देख के सोचूं, मेरी रातों की नींद हराम हो जाए, मेरी करवटें हराम हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उम्मत के लिए। 5,000 टेक्निकल कोर्सेज है, मैं जिस जमाने 50 साल पहले इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ता था, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थी और 45 खाली ग्रेड थे। आज 5,000 हमारे पास ट्रेड और व्यवसाय है, हजारों सेंटर इस जगह हम खड़ा कर सकते हैं। 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स प्लम्बर बनाने का, 3 महीने का होटल मैकेनिक बनाने का, 3 महीने का इलेक्ट्रीशियन बनाने का, 3 महीने का एसी मैकेनिक बनाने का, 4 पास जरूरी है, बहुत हो गया 4 पास भी। अगर अंगूठा चाहे वो भी अच्छा टेक्निशियन बन सकता है। एक एक आदमी बन सकते हैं, एक सेंटर से खड़ा करूंगा। हज उमरा छोड़े, फल हज हो गया, एक आध उमरा हो गया, वो उमरा और हज के पैसे, और ये हमारी शादियों में लग रहा है, हेलीकॉप्टर में धुरा धुरा ला रही, रोटी उड़ाई जा रही है, टीले बजाए जा रही है, और तेरे जैसे गाड़ी रोटी वाले उनमें नाच रहा है। बॉयकॉट करो ऐसे प्रोग्रामों को, ऐसी शादियों को बॉयकॉट करो। इनको समझाओ, जब बॉयकॉट करोगे तो ये सारा पैसा उम्र की फिक्र में और दर्द में लगेगा। हम जाके उनकी शोभा ना बने, उनके प्लेटफॉर्म की शोभा ना बने, और हमारे प्लेटफॉर्म की शोभा किसी और को ना बनाए, समझे? इसके लिए फिक्र करो। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एक झाड़ के नीचे बच्चा लेके बैठ जाए कि सुबह 2 घंटे 8 से 10 यीशु का एक नंबर यहाँ मिलेंगे, फॉर्म पेपर लगा दिया, अपने ऑर्डर लेके गए, 10 बजे अपनी साइकिल पे बीत लेके निकला, पूरे दिन काम करेगा। एक अटेंड करा कंप्लेंट, 500 रुपए कहीं नहीं गए। वक्त का ख्याल रखें। इसलिए मेरे भाइयों, ये सोचने की जरूरत है, उम्मत का सरमाया नौजवान बच्चे है। अगर ये गलत जगह पे फिर ये ड्रग भी पिएंगे, फिर ये शराब भी बेचेंगे और हमारा सर का दर्द भरेंगे। दादा कुछ बोलिया हो तो माफ करना, मैं अपनी तरह से तैयार हूँ, जो भी काम हो तो मुझे चांद माल का सोचो में मैं तैयार हूँ। मैं शेख हूँ, मैं आईटीआई का रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, एडिशनल डायरेक्टर एग्रो मेटेरियल्स रिटायर्ड हूँ, 30 साल आईटीआई में मैंने करी थी है, और पूरे गुजरात में 29 प्रदर्शनों में आईटीआई के कोर्स शुरू किए। ब्लैक पावर की आत्मा पे बना हुआ सेंटर जाके देखे हो, सेंटर क्या काम कर रहा है, 10 सेंटर सिर्फ जो माइनोरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, बुद्ध भी है, जैन भी है, पारसी के, और इतने सारे कम्युनिटी होने के बावजूद 80 लाख मुसलमान गुजरात में है, मगर टोटल बजट का 0.024% ही हमको अलॉट किया गया। और मैं दावा के साथ कहता हूँ, यहाँ बैठे हुआ एक भी पॉलिटिशियन, एक भी सामाजिक तंजीम, उन्होंने इस पर कभी गौर नहीं किया। मुझे एक शख्स ऐसा बता दे कि जिसने दिसंबर में या जनवरी में जाके गुजरात सरकार को ये कहा हो कि भी एजुकेशन में हमारा किया। मैं जब रिपोर्टिंग के लिए जाता तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से बात करते थे कि भाई इसमें माइनोरिटी का क्या, तो हमको सामने से सवाल करता था कि मुसलमान गया हो इस बार चीफ मिनिस्टर से मिलने या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए, दिस इज अवर चार्टर डिमांड।
हमको ये चाहिए, ये हमारी डिमांड। अरे आप जवान नियत से तो कोई बात नहीं करते, सजेशन तो कर सकते हैं, किसी ने सजेशन भी नहीं किया। 60 लाख की मुसलमानों की आबादी है गुजरात में, कोई एक मुसलमान मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो जिसने वहां आके किया हुआ है। मैं सारी तंजीमों से और यहाँ बैठे हुए पॉलिटिकल लीडर से, सामाजिक कारकुनों से गुजारिश करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी अल्लाह के वास्ते जाग जाइए, वरना एक दिन हुआ आएगा कि जो अभी हमारा 0.024% एलोकेशन हुआ है वो भी खत्म हो जाए। हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दी गई, पोस्ट स्कॉलरशिप जो थी वो बंद कर दी गई। पहले 15 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी मुस्लिम बच्चों को, 10 लाख कर दी। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमारे कान पर कोई छू नहीं रहेगी, किसी को कोई एहसास ही नहीं है। पर हम बात करके समाज को ये करेंगे, समाज को वो करेंगे, कौन करेगा, कौन करेगा? यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए हैं। मैंने कोई एक शख्स ऐसा पूरे गुजरात के 80 लाख मुसलमानों में नहीं देखा कि जिसने ये बात की हो तो मुसलमानों के एलोकेशन के लिए बात की जाए। फाइनेंस मिनिस्टर से कोई नहीं मिला, चीफ मिनिस्टर कोई नहीं मिला, किसी ने कोई बात नहीं। जब हम अपने डिमांड अपने सजेशन कर नहीं सकते, सरकार के सामने कुछ मांग नहीं सकते, तो फिर हमको क्या हक है कि हम उनसे कुछ मांगे? हाउसिंग कॉलोनी हमारी नहीं मिलती, MSDP जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम वो इम्प्लीमेंट नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं बनती, हमारे यहाँ कोई क्लिनिक नहीं बनती। माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमारे यहाँ नहीं होता। मुस्लिम माइनॉरिटी डोमिनेट एरिया में कोई हाईस्कूल नहीं बनती, मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई ITI नहीं बनती, तो इसकी फिक्र कौन करेगा? ये फिक्र हमको करने पड़ेगी। और खास करके वो लोग जो पोलिटिकल पार्टी से है, तो लेकर है जमात है, जमीत है, मुस्लिम काउंसिल है, इन लोगों से मेरी कोई गुजारिश है कि बरए मेहरबानी अगले साल जनवरी आने के पहले पहले अपना एक चार्टर डिमांड तैयार कर लें, अपना सजेशन तैयार कर लें। वो ये कहते हैं कि अंडर विच हेड वी शुड एलोकेट दिस अमाउंट, अंडर विच हेड व्हाट इज योर डिमांड, व्हाट इज योर सजेशन, तो हम क्या जवाब देंगे? मैं जाकर खड़े हो जाएंगे? जब हमारे पास वो सोच नहीं है, जब हमारे पास वो डिमांड करने की ताकत नहीं है, हमको अपने जात को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, तो फिर हमको भूल जाने चाहिए कि हम यहाँ क्या है। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे लिए गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचे। मौलाना आजाद फाउंडेशन से बहुत सारा पैसा आता है, कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। यहाँ गुजरात स्टेट का जो माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड है उसको इस बार 25% कम कर दिया उसका एलोकेशन, 25%। तो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ खास करके हमारे पॉलिटिकल दोस्तों से कि इस बियॉन्ड इलेक्शन आप सोचे, वोटिंग के बाद भी आप सोचे, वोटिंग के पहले भी आप सोचे। और क्योंकि जमात इस्लामी बड़ी इस काम में बड़ी अच्छी होती, मेरा सजेशन है आपसे आपके जिम्मेदारों से कि अगले साल दिसंबर में आप इस बारे में बैठे सोचे, हम जैसे लोगों को बुलाए तो हम आपको बात करेंगे, बात करेंगे।